बिहार के किसानों को प्रणाम करता हूं। मुझे खुशी है कि कई क्षेत्रों में बिहार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। बिहार का मखाना अपने आप में पोषण का भंडार है। मित्रों, मैं बिहार के किसानों को प्रणाम करता हूं। यहां के परिश्रमी किसान जोत का छोटा आकार होने के बावजूद भी अपने परिश्रम से और सरकार के सहयोग से नित नए प्रयोग कर रहे हैं। आज हमने उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी और कृषि मंत्री श्री मंगल पांडे जी के साथ मिलकर बिहार के कुछ किसानों से संवाद भी किया है और यहाँ की उपलब्धियों और यहाँ की समस्याओं पर चर्चा भी की है। मुझे खुशी है कि कई क्षेत्रों में बिहार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मक्का यहाँ बड़े व्यापक पैमाने पर अब जिसका उत्पादन भी बहुत अच्छा उगाया जा रहा है और इथेनॉल के प्लांट बिहार के किसानों को ठीक रेट मिले इसमें भी मदद कर रहे हैं। बिहार का मखाना अपने आप में पोषण का भंडार है और हमारे किसान मेहनत करके मखाने का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। मखाना जो उत्पादित होता है उसके एक्सपोर्ट की बहुत संभावनाएं हैं और इसलिए भारत सरकार एक्सपोर्ट की पूरी व्यवस्था यहाँ से बनाने में कृषि मंत्रालय वाणिज्य मंत्रालय के साथ चर्चा करके मखाने का एक्सपोर्ट के लिए जो आवश्यक कार्यालय और केंद्र की आवश्यकता है उसको पूरा करने का काम करेगा। बिहार में चाहे यहाँ का शहद हो, कतरनी चावल हो, मगही पान हो, सब में अनंत संभावनाएं हैं। कृषि के जो रोड मैप बने उसका चतुर्थ रोड मैप कृषि मंत्री जी ने बनाया, वो प्रारंभ कर रहे हैं। कुछ चीज़ें उन्होंने जो उपलब्धियां उनके बारे में मैं चर्चा नहीं कर रहा, मैं सरकार को बधाई देता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन दलहन का उत्पादन हमको बढ़ाना है और दलहन के उत्पादन के लिए अच्छे किस्म के बीज चाहिए। अभी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 65 प्रजातियों के 109 बीज की नई किस्में जारी की है। यहाँ दलहन के अच्छे बीजों की आवश्यकता है। भारत सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी। दलहन के साथ साथ मक्के के और धान के अच्छे बीजों की ज़रूरत है, उसमें भी भारत सरकार पूरा सहयोग करेगी। आलू की संभावना यहाँ बहुत है तो आलू के लिए भी अच्छे बीज चाहिए। आज हमने पूरा रिव्यू किया है। भारत सरकार उनका उत्पादन बिहार में ही हो, बाहर से दूसरे राज्यों से उत्पादित होकर क्यों आए, तो हम इस व्यवस्था को भी बनाने का काम करेंगे। अभी धान की रोपाई क्योंकि ईश्वर की कृपा से बारिश हो गई तो सुखाड़ की स्थिति नहीं है, लगभग पूरी हो रही है, लेकिन हम रवि की तैयारी भी कर रहे हैं और रवि के लिए जितना आवश्यक DAP है, बाकी यूरिया और बाकी खाद पर्याप्त मात्रा में है। तो बिहार ने जो अपनी डिमांड दी है वो हम फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री को भेज के पर्याप्त मात्रा में खाद की उपलब्धता भी कराएंगे। यहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र को मजबूत बनाने की ज़रूरत है, उस पर भी हम मिलकर काम करेंगे। बिहार की सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर बिहार के किसानों की खेती तेजी से और कैसे आगे बढ़े, किसान समृद्ध हो और कृषि विकसित हो, इसके लिए काम करेंगे। वैसे भी प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया 2047 तक, उसके लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान, उसके लिए हमारी रणनीति है उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम मिले, कृषि का विविधीकरण और फूड प्रोसेसिंग जैसा क्षेत्र वैल्यू एडिशन उसको करने का काम और फिर प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ने का काम
ये निरंतर लगातार करते रहेंगे। आज यहाँ के किसानों से मिलकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और बिहार सरकार को धन्यवाद देता हूँ।